इलाहाबाद में यमुना नदी पर अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया नैनी पुल शहर को मध्य प्रदेश से जोड़ने का एक बेहतरीन साधन है। इसके अलावा ये पुल एक और वजह से चर्चा में रहता है। पुल को बने हुए करीब 13 साल हो गए हैं और इस दौरान यहाँ से यमुना नदी में कूदकर सैकड़ों लोग अपनी जान दे चुके हैं। यही वजह है कि पुल पर एक खास जगह को सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। ये देश का दूसरा ऐसा पुल है जिसे केवल स्टैंड तकनीक से बनाया गया है। 1.5 किलोमीटर लंबा और 365 मीटर ऊंचा ये पुल 4 साल में बनकर तैयार हुआ था। पुल के निर्माण में उस वक्त करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। केवल पर टिके 2 खंभों के बीच के हिस्से से ही कई लोग अपनी जान दे चुके हैं। पुलिस का कहना है कि औसतन हर महीने 8 से 10 लोग यहाँ से छलांग लगाते हैं। कुछ को बचा लिया जाता है लेकिन बहुत से लोग नहीं बच पाते। किडगंज के पुलिस क्षेत्र अधिकारी विनीत जायसवाल बताते हैं कि हमारी जानकारी में अब तक करीब 1100 लोग यहां से छलांग लगा चुके हैं। दिन में कूदने वालों को तो पुलिस के गोताखोर या फिर यहां के मल्लाह अक्सर बचा लेते हैं, लेकिन रात में या देर शाम कोई कूदता है तो उसे बचाना संभव नहीं हो पाता। SPN 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।